मलाजगर्द की जंग बाज़ंटीनी सल्तनत के जवाल का सबब बनी और इसी जंग को सलेबी जंगों का बास भी समझा जाता है। इस जंग के नतीजे में अनातोलिया हमेशा के लिए ईसाइयों के कब्जे से निकल गया था और तारीख में ये पहला मौका था जब एक बाज़ंटीनी शहंशाह एक मुसलमान सुल्तान का कैदी बना था। 11वीं सदी के अवाइल का दौर था जब सुल्तान महमूद गजनवी ने हिंदुस्तान के इलाकों को फतह करके वहां इस्लामी परचम लहराया। इनकी वफात के बाद कुछ देर तक इस्लामी फतोहात का सिलसिला रुक गया। कुछ अरसा तक उनके जानशीनों ने उनकी सल्तनत को संभाले रखा मगर ये सल्तनत भी जल्द ही जवाल पजीर हो गई। इसके बाद तारीख ने यह दौर भी देखा जब उम्मत मुसलमा तीन हिस्सों में तकसीम हो चुकी थी। एक तरफ बगदाद में खिलाफत अब्बासिया, दूसरी तरफ स्पेन में उमवी खिलाफत जो तकरीबन अपने 250 साल पूरे कर चुकी थी और वहाँ भी तवायफुल मलूकी का दौर था। तीसरी तरफ मिस्र में काहरा को मरकज बनाकर फातिमी खिलाफत भी अपने अरूज पर थी और इसी दौर में ही खुरासान से सल्जूकियों ने जोर पकड़ना शुरू किया था। फातिमी, अब्बासी और उमवी ये तीनों खिलाफतें एक दूसरे से शदीद इख्तलाफ भी रखती थीं, बल्कि एक दूसरे के खिलाफ सलेबियों से मदद भी लिया करती थीं। इन हालात को देखते हुए सलेबियों को ये लगने लगा था कि मुसलमानों के फतह किए हुए इलाके दोबारा इनसे वापस ले लिए जाएंगे, मगर सुल्तान अलप अरसलान ने मलाजगर्द के मकाम पर इनको ऐसी शिकस्त दी कि इनके अपने इलाके भी इनके हाथों से जाते रहे। सुल्तान अलप अरसलान के दौर में रूमी बादशाह रोमानोस चहारम जो कुस्तुनतुनिया पर हुकूमत करता था और जो मुसलमानों से बदला लेने के लिए पुरअज़म था और उसे मौके की तलाश थी कि किसी तरह मुसलमानों के दारुल खिलाफा पर हमला करके इनकी ताकत को ख़त्म कर दिया जाए और शाम और इराक पर कब्जा कर लिया जाए। 1070 या 71 के आसपास रोमानोस चहारम ने फौजें तैयार करके शाम पर चढ़ाई कर दी और बहुत से इलाकों को लूट लिया और इस लूट मार के बाद वो वापस कुस्तुनतुनिया चला गया। अरबों ने डटकर उसका मुकाबला करने की कोशिश की मगर वो इसमें नाकाम रहे। 1071 में रोमानोस चहारम ने फिर दूसरी मरतबा 2,00,000 फौज लेकर इस्लामी इलाकों पर यलगार कर दी। इसकी फौज में रूमी, फ्रांसी और रूसी शामिल थे। आखिरकार अगस्त 1071 ईस्वी बामुताबिक 464 हिजरी को सल्जूकी और बाज़ंटीनी फौजें मशरकी अनातोलिया में झील वान के करीब आमने सामने हुई। पहले दिन दोनों फौजों में कोई झड़प न हुई और शाम को अपने अपने खेमों में वापस चली गईं। सल्जूकी छापा मार रात को बाज़ंटीनियों की खेमे गाह को घेरे में लेकर तीर बरसाते रहे और दूसरे दिन दोनों फौजें आमने सामने हुईं। सल्जूकियों की क्यादत सुल्तान अलप अरसलान और रूमियों की क्यादत रोमानोस चहारम कर रहा था। जंग से पहले सुल्तान अलप अरसलान ने बाज़ंटीनियों को मुआहदे की पेशकश की मगर रोमानोस ने अपनी फौज की ज्यादती को देखकर और अपनी जीत को यकीनी समझकर बड़े गरूर से इस पेशकश को ठुकरा दिया। आखिरकार जंग शुरू हुई और सल्जूकी फौज पहले से बनाए हुए मंसूबे के मुताबिक तीन हिस्सों में तकसीम होकर तीर बरसाते हुए पीछे हटने लगी। पीछे हटते हटते इतने पीछे चले आए कि फौज के तीनों हिस्से एक दूसरे की नज़रों से ओझल होने लगे और शाम की तारीकी छाने तक फौज के तीनों हिस्से एक दूसरे से बिल्कुल ओझल हो चुके थे। सलेबियों का एक पहलू ये समझकर कि जंग ख़त्म हो चुकी है, मैदान जंग छोड़ने लगा। अब सल्जूकी फौज का वो पहलू अपनी फौज के दूसरे पहलू से आ मिला और बाज़ंटीनियों के उस पहलू को ख़त्म करने के बाद आखिरकार क्लब को घेरे में ले लिया गया। क्लब के ज़्यादातर सिपाही कैदी बने और कुछ कत्ल हुए। सुल्तान अलप अरसलान ने इस जंग में बाज़ंटीनियों को इबरतनाक शिकस्त दी और रोमानोस चहारम को भी गिरफ्तार कर लिया। कैसरे रोम ने ना सिर्फ तावाने जंग अदा किया और खिराज देने पर रजामंद हुआ बल्कि अपनी बेटी सुल्तान के बेटे से ब्याह दी और अर्मीनिया और जॉर्जिया के इलाके भी इनको दे दिए। अब सल्जूकी सल्तनत की सरहदें अनातोलिया से भी मजीद आगे बढ़ गईं।